प्राइवेट स्कूलों में वसूली जाने वाली मनमानी फीस और अन्य चार्जेस पर जल्द ही रोक लगने जा रही है। सरकार ऐसे स्कूलों पर लगाम लगाते हुए उनकी मनमानी को रोकने जा रही है। यह कार्य फिलहाल पूर्वोत्तर के राज्य असम में भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए एक कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। यह कमेटी प्राइवेट स्कूलों में फीस व अन्य चार्जेस पर नियंत्रण रखेगी। राज्य सरकार द्वारा गठित की जा रही इस कमेटी में 5 सदस्य होंगे। इसमें एक चेयरपर्सन, रिटायर्ड जिला जज, सीनियर सिविल सर्वेंट होंगे। इसके अलावा एक सीनियर पुलिस अधिकारी को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। पैनल में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक सिविल इंजीनियर, एक गैर सरकारी शिक्षण संस्थान का प्रतिनिधि और एक शिक्षण संस्थान का 3 साल के लिए चुना हुआ प्रतिनिधि होगा। आपको बता दें कि असम सरकार ने गैर सरकारी शिक्षण संस्थान एक्ट पिछले साल ही पास किया था। इस कमेटी का काम यह देखना होगा कि कोई प्राइवेट स्कूल अपने स्टूडेंट से उचित फीस ही वसूल रहा है या नहीं। इसमें यह कमेटी उन स्कूलों के बही खातों की संरचना तथा उनकी सुरक्षा को भी देखेगी। इसके अलावा यह पैनल स्कूल की लोकेशन, स्कूल को स्थापित करने में लगने वाला निवेश, आधारभूत सुविधाएं, उसकी वस्तुओं, मेंटेनेंस और प्रशासन पर होने वाला खर्च, स्टूडेंट्स का विकास, टीचिंग स्टाफ की क्वालिटी तथा स्टूडेंट पर होने वाले खर्च आदि की भी मॉनिटरिंग करेगा। इसके अलावा इस कमेटी के पास स्कूलों में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन द्वारा दी जाने वाली एक्सेस फीस को लेकर शिकायतों आदि में हस्तक्षेप करने का अधिकार भी होगा। इसके अलावा प्रत्येक शिक्षण सत्र के दौरान गैर सरकारी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली अधिकतम फीस का निर्धारण करना भी इसी के अधिकार क्षेत्र में होगा। आपको बता दें कि इस वक्त पूर्वोत्तर के राज्य असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहां निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए अभिभावक काफ़ी लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। धन्यवाद।